निकलना है वीरना के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? होप कि सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो वीरनाग पे आएगा, तो अपने उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आज मैं निकल चुका हूँ घर से। गाइस, आज काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि पीछे काफ़ी रोक के रखा था हमें यात्रा की वजह से। तो अब मैं पहले यहाँ से चलूँगा जो बाईपास है, बाईपास के लिए बिजबिहारा से बाईपास पे जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकला तो आगे फिर जाम लग सकता है, फिर रोकेंगे। इससे बेहतर है कि हम हाईवे पे ही चलें पहले और उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें भी रुकना पड़ा। गाइस, मैं आज काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो वीरनाग है यहाँ मैं आज पहली बार जा रहा हूँ, इससे पहले मैं वीरनाग कभी नहीं गया। ओके गाइस, आज का ये ब्लॉग और मेरी पिकनिक दोनों ही अच्छे रहें। तो गाइस, हम आ चुके हैं अब जो बाईपास, नेशनल हाईवे बाईपास बनी है नई, इसी पे। देखिए गाइस, यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है बाकी जगहों के मुकाबले। गाइस, ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि आज मैं वीरनाग के साथ साथ दो व्यू पॉइंट है जिनको कैप्चर करने वाला हूँ, उनको रिकॉर्ड करने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने ही रहिएगा। अगर मैंने एक पार्ट में ही डाला दोनों, तो गाइस इसी पार्ट में आपको सब मिल जाएगा, नहीं तो आपको दो पार्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए, क्योंकि गाइस फिर इससे व्यू थोड़ा कम आते हैं। मैं पिछले कुछ वीडियो पर देख चुका हूँ गाइस, अभी सबसे ज़्यादा जिससे व्यू है वो 200 व्यू है। तो गाइस, इतने बड़े YouTube के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 200 व्यू बहुत छोटी सी चीज़ है गाइस, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन YouTube के नज़रिए से देखो तो काफ़ी छोटी है। हमें YouTube के नज़रिए से चलना पड़ेगा अगर हमें अपना चैनल ग्रो करना है। तो गाइस, होप कि आप जो इस बार मैं वीडियो डालूँगा आप लोग उससे प्यार दोगे, क्योंकि गाइस हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग बनाने में। घर बैठ के गाइस ब्लॉग देखना बहुत मज़ेदार लगता है। एक अच्छे से रूम में बैठ जाओ और देखो बाइकर्स को कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन गाइस सच पूछो तो मैं भी इसी तरह देखा करता था ब्लॉगर्स को और एंजॉय करता था नई नई चीज़ों को देखना। ये सब चीज़ें मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था घर पर बैठ के देखने में, बड़ा मज़ा आता था। मैं सोचता था शायद ये लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, लेकिन गाइस जब मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है, मुझे एहसास हुआ है कि नहीं गाइस काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि गाइस कभी कहाँ रुक जाओ, कभी कहाँ रुका लेते हैं, कभी धूप गर्मी बारिश, तो ये सारी चीज़ें गाइस हमें देखनी पड़ती है। पिछले व्लॉग में हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिली थी और आज के व्लॉग में अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाईपास से आए थे लेकिन फिर भी ये जाम अभी भी है। लेकिन गाइस ये जाम उतना लंबा नहीं है क्योंकि जाम छूट गया है, इन लोगों ने जो ट्रैफिक रोका था वो छोड़ दिया है इन लोगों ने। तो उम्मीद करते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके इस जाम से बचें और आगे निकलें, क्योंकि मेरा एक और मोटिव भी था इस हाईवे से आने का कि मैं रोज़ ही बिजबिहारा से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बोरिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। उस नए के एक्सपीरियंस के साथ हमें ये हाईवे ही सूट कर दी है। कि गाइस, जितना भी जो लोग भी ब्लॉग देखता है वो नई चीज़ें देखना पसंद करता है। अब ब्लॉग में जाओ, आप मेरे चैनल पे जाओ, सारे के सारे वीडियो एक जैसे मिलें, तो फिर जो आने वाला बंदा है गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा आई थिंक, इसलिए मैं भी डेली कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। होप कि आप सबको ये पसंद आए।
मेरी मेहनत पसंद आए आप लोगों को, और जो वीडियो है वो भी थोड़ा भगाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जाम है काफ़ी लंबा और मैं नहीं चाहता हूँ कि गाइस इस लंबे जाम में हम और लंबा फंसें। बस गाइस यहाँ से आगे तो फोर वे है, अब नहीं हो जाती है गाइस फोर वे पे। आज देखो हर जगह पे नाकाबंदी, पुलिस सीआरपी हर जगह लगी हुई है। यात्रा की वजह से ये लोग काफ़ी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रोक टोक भी है गाइस। तो ओके आज इतना ज़्यादा रोक टोक ना देखने को मिले, हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। पिछले व्लॉग में शोर का मसला था, आज मैंने उसे हल करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग में जो है आवाज़ नॉर्मल आए अच्छे से। थैंक यू। एक किलोमीटर मुझे भी आगे जाना है, लिफ्ट दे सकते हो? बैठो। उधर क्या करना है वीरनाग में? बस घूमने। असल में गाइस उतना दूर भी नहीं है, लेकिन मुझे जो चलना पड़ा, मुझे वेट करना पड़ा काफ़ी, जो हम पीछे उसमें फंसे रहे। एक तो पहले यात्रा की वजह से हमें रोका, ये कुछ गाइस 2 घंटे हमें रोक के रखा था। काफ़ी प्यारी जगह के साथ साथ गाइस हमें अब ट्रैफिक में रोकना है शायद, लेकिन अभी तो नहीं। हमारी जो जर्नी है गाइस वो है वीरनाग के लिए, तो उसका रास्ता है ये जो पीछे हमें अंकल जी ने समझाया था। लेकिन गाइस यहाँ का रोड थोड़ा ख़राब है, अब तक तो काफ़ी इंजॉय किया हमने रोड को भी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि सामने आप देख पा रहे होंगे रोड का हाल काफ़ी ख़राब, क्योंकि हमें इस जैम से कोई मतलब नहीं है। ये जैम किस चीज़ के लिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ से निकलना है वीरनाग के लिए। गाइस बाल बाल बचे, इस पागल से ड्राइवर की वजह से आज गड़बड़ हो गई थी गाइस। वहीं से चले, ओके मार्केट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मार्केट से ही लेके चलूँ। गाइस यहाँ इतना पेट्रोल खर्च हुआ है, थोड़ा और सही, लेकिन हमें मिलना चाहिए व्यू, नई नई चीज़ें और कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर। यहाँ पे होटल्स की सर्विस भी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पे। सो फाइनली गाइस कुछ खाने पीने के बाद अब मैं निकला हूँ पार्क के लिए, मार्केट से अब पार्क के लिए जाएंगे। तो देखिए सामने कुछ, सामने का व्यू जंगल, सामने ये मार्केट। तो गाइस आज का दिन कुछ सही नहीं है शायद, आज फिर बाल बाल बचे। गाड़ी वाला रिवर्स निकल आया था, जिसके पीछे साथ में से मैं निकलने वाला था, उसने रिवर्स साथ में रिवर्स कर दिया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इस पार्क के सामने ही, हम थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे। गाइस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का और व्यू दिखाना चाहता हूँ, जो ये सामने आप देख पा रहे हैं काफ़ी बेहतरीन व्यू है गाइस। ये भी इस पार्क की एंट्री गाइस शायद यहीं से, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली डोरू वीरनाग, तो हम पहले बाइक लगाएंगे कहीं साइड में अच्छी सी जगह में, उसके बाद। गाइस ये है कुछ यहाँ का छोटा सा मिनी सा मार्केट। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वीरनाग, ये है इसका सामने का मेन एंट्री गेट। पहले हम लेंगे यहाँ से टिकट, जो सामने काउंटर है यहाँ से टिकट लेनी है, टिकट लेने के बाद हम एंट्री करेंगे। तो जब एंट्री करेंगे तो वहाँ से बाद में आपको दिखाऊंगा, यहाँ इस काउंटर से हम टिकट लेंगे। ये रहा हमारा टिकट, यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है इस खूबसूरत से गार्डन की।
देख पा रहे हो आप किस तरह का व्यू है यहाँ का, होप कि सब अच्छे से कैप्चर हो। ये यहाँ पीछे एक जंगल, तो चलते हैं अंदर देखते हैं बाकी पार्क का, बाकी सारा व्यू भी कैप्चर करते हैं। इस तरह के कुछ यहाँ पर ये गुफा सी बनी हुए देख सकते हो आप, ये कुछ गुफा टाइप के बने हुए यहाँ पे। और यहाँ से आगे पिन्ना का पानी, सिस्टर सिस्टर एक सेकंड, ये देखो कुछ यहाँ से इस जो चश्मे का व्यू कुछ इस तरह का, काफ़ी खूबसूरत पानी है गाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खूबसूरत होगा। और ये बैकग्राउंड में जो इसका एक फॉरेस्ट काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऊंचा, मैं कोशिश करूँगा इसको कैप्चर करने की। तो गाइस मैं कुछ कुछ चीज़ें और कैप्चर करने की कोशिश करूँगा यहाँ से जाते जाते हुए। सो फाइनली गाइस हमने इस पार्क को कहना है अलविदा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब लोग अपना ख्याल रखें।